स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अब हमें धोनी की ज़िंदगी का एक ऐसा मोड़ देखने को मिल रहा है जिसके बारे में हम कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे। मैं धोनी का डाई हार्ट फैन तो नहीं हूँ, पर यह न्यूज़ मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था कि महेंद्र सिंह धोनी को इंडियन क्रिकेट टीम से बाहर कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आप धोनी के फ़ैन हैं या फिर डाई हार्ट फैन है तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने जैसे और धोनी के डाई हार्ट फैंस को भी ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। असल में दोस्तों, हाल ही में BCCI ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 4 नवंबर से शुरू होने वाले T20 सीरीज़ के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया, लेकिन इस पूरे स्क्वाड में महेंद्र सिंह धोनी का नाम नहीं था। बस इतना नहीं, बल्कि अगले आने वाले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए भी इंडियन टीम का ऐलान हुआ और इस दौरान एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी को टीम से बाहर कर दिया गया। पहले तो ये न्यूज़ बहुत शॉकिंग था, लेकिन BCCI के चीफ सेलेक्टर MS प्रसाद से पूछने पर ये पता लगा कि MS धोनी को सिर्फ आगे आने वाली 6 T20 मैच के लिए ही बाहर किया गया है, क्योंकि वो कुछ नए विकेट कीपिंग ऑप्शन को टेस्ट करना चाहते हैं। धोनी को पूरी तरह से अभी टीम से बाहर नहीं किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के बाद वो T20 सीरीज़ में खेलते हुए नजर आएंगे और तब तक के लिए ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक जैसे विकेट कीपर को मौका दिया जाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि MS धोनी को ODI टीम से बाहर नहीं किया गया है, वो अभी भी आपको ODI में खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि इन 6 T20 मैचों के बाद MS धोनी को फिर से मौका दिया जाए, क्योंकि हमने ऐसा रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के साथ भी होता हुआ देखा है। क्योंकि जब नए स्पिन गेंदबाजों जैसे कि युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव को टीम में मौका दिया जा रहा था, यही बताया जा रहा था कि अश्विन और जडेजा को आराम दिया जा रहा है, उन्हें रेस्ट दिया जा रहा है कुछ समय के लिए, लेकिन कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि फिर उसके बाद ना अश्विन को मौका मिला और ना ही जडेजा को। तो ऐसा मैं नहीं चाहता कि धोनी के साथ भी ऐसा हो कि धोनी को मौका नहीं मिले। मैं चाहता हूँ कि वो एक सम्मानजनक रिटायरमेंट के साथ टीम इंडिया को अलविदा कहे, ऐसे टीम से ड्रॉप करके नहीं। अब यार दोस्तों, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। आप भी दुआ करिए धोनी के लिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, अपने जैसे और धोनी के डाई हार्ट फैन को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उन तक भी ये न्यूज़ पहुँच सके और धोनी के लिए प्रे कर सके। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से गुड बाय। और साथ ही मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और आप कमेंट में कुछ चीज़ें मुझे बता सकते हैं। अगर आपको राय देनी हो चैनल के बारे में या आपको कुछ पूछना हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा।